क्या बात है। ओ स्वीटी जी, वो आप यहां माहिर के कमरे में क्या कर रही हैं? ये महीर का कमरा है। हाँ जी हाँ जी, मैं तो समझी किसी प्रिंस का रूम है। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हारे अब्बा जी कह रहे हैं कि ये महीर का कमरा है। मैंने कहा मुझे तो ये कोई ब्रांडेड कपड़ों का बड़ा सा शोरूम लग रहा है। क्या बात है भाई, हर चीज ब्रांडेड। हाँ, कभी तुमने अपने अब्बा जी से पूछा है? पूरा साल ना 2 टी-शर्ट 2 जर्सियां में गुजार देते हैं। कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं क्या कहूंगी, मेरी तो जबान ही बंद हो गई है। अरे भाई, तुम कोई दबीर जैसे सेल्समैन के बेटे हो या सुपर स्टोर की मालिक स्वीटी के बेटे? टेल मी। क्या सेल्समैन? हाँ, ये जो तुम्हारे अब्बा हर जगह डिंगे मारते फिरते हैं ना, उस सुपर स्टोर की मालिक मैं हूँ, स्वीटी। हाय अल्लाह, तुम सब तो लुट के खा गए मुझे। स्वीटी को लूट लिया तुम लोगों ने। ओहो माहिर, तुम तो शायद नाराज हो गए। दबीर, कुछ इस मसले पे आप लाइट डालना चाहेंगे? देखिए, आप ज्यादा गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गुस्सा तो ना अब मुझे बहुत आ रहा है, और जब तक ये गुस्सा किसी पे निकल नहीं जाता ना, तब तक मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होगी। स्वीटी जी, आराम से मेरी बात सुने। अभी मेहमानों ने आना है आपसे मिलने के लिए, आप जरा एहतियात करें, उनसे मिलने के बाद फिर बात कर लेंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, गुस्सा ना करें। हाँ हाँ दबीर जी, जी सरताज फरमाए, गुजारिश करी, क्या कह रही हैं आप? गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें। स्वीटी जी, शहर पे जा गया। सेल्समैन, इतने सालों से तुम मुझे चीट करते रहे हो, मुझे बेवकूफ बनाते रहे, मेरी सारी मनी, मेरे सारे डॉलर इधर भेजते रहे तुम। नहीं 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 स्वीटी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो आपसे कभी कुछ छुपाया नहीं है, सब कुछ तो बता देता हूँ। और वैसे भी स्वीटी जी, माशाल्लाह महीरा वो अपना बिजनेस करता है यहाँ पे। अच्छा, क्या बिजनेस करता है बताओ जरा मुझे, अभी इसी वक्त फौरन। प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसका। अच्छा, प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है। अब्बा जी मेरे डॉलर्स वहां से इधर भेजते हैं, बेटा जायदादें खरीद लेता है, हो गया ना प्रॉपर्टी का बिजनेस? नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है स्वीटी जी। फिर तो ये सारी जायदादें मेरे डॉलर से बनी ना। इसका मतलब है ये बंगला तो मेरे डॉलर से बना, तो ये तो फिर स्वीटी बेगम का बंगला हुआ। अब तुम ना इस घर की रजिस्ट्रेशन मेरे नाम कराओगे, फौरन, फर्स्ट, पहली फुर्सत में, समझे? ना करें स्वीटी जी, ये क्या कह रही हैं आप? खुदा के लिए मेरे हाल में कुछ रहम करें। नो रहम नो हमदर्दी, तुम्हें ये काम फौरन करना होगा बस। ओफो, एक तो इस घर में ना प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, बंदा खामोशी से अपने कमरे में झगड़ा भी नहीं कर सकता। कम ऑन कम ऑन। अंकल जी, वो मेहमान आ गए। मेहमान इतनी जल्दी आ गए? वो असल में ना आपको देखने के शौक से जल्दी जल्दी आ गए। हाँ, उन्हें भी तो अमेरिकन अमीर कबीर बहू को मिलना होगा ना। अंकल जी, आपने तो कोई मेकअप शेकअप नहीं करना ना, आंटी को करने दें, आप तो वैसे ही माशाल्लाह इतने अच्छे लगते हैं, आ जाए जल्दी से। अरे अरे, बदतमीज लड़की है। खैर, मुझसे ज्यादा बदतमीज तो कोई हो ही नहीं सकता, अपने गांव में ना सबसे बड़ी लड़ाका मशहूर थी मैं। अब ये भी बता दे कि इस बात पे